अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की एक ऐसी टिप लेकर आया हूं जिसे इस्तेमाल करते हुए आप अपनी तस्वीरों की क्वालिटी को कम किए बगैर किसी दूसरे को भेज सकते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल हादी इन्फो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। व्हाट्सएप मकबूल तरीन मैसेजिंग एप्लीकेशन बन चुकी है और शायद ही कोई मोबाइल सारिफ ऐसा हो जो इसे इस्तेमाल ना करता हो। लोग पैगामात के अलावा तस्वीर और दीगर मवाद अरसाल करने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। ताहम तस्वीर भेजने के हवाले से एक मसला दरपेश आता है कि व्हाट्सएप के जरिए तस्वीर भेजने से तस्वीरों की क्वालिटी कम हो जाती है। अब माहरीन ने क्वालिटी कम किए बगैर व्हाट्सएप पर तस्वीर भेजने का हैरान कुन तरीका बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तरीका इंतहाई आसान है। आप जो तस्वीर किसी को भेजना चाहते हैं उसका नाम तब्दील यानी रीनेम करके .jpg की जगह .doc लिख दें। इस तरह आपकी तस्वीर की नौइयत यानी फॉर्मेट तब्दील हो जाएगी। अब इसे बतौर अटैचमेंट के जरिए दूसरे शख्स को भेज दें और उस शख्स को मैसेज करके बता दें कि वो मौसूल होने वाली इस फाइल के नाम में .doc को दोबारा .jpg कर ले। इस तरह करने से जो फाइल एक दस्तावेज की सूरत में उस शख्स को मिलेगी दोबारा तस्वीर बन जाएगी और उसकी क्वालिटी भी कम नहीं होगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो तस्वीर भेजना चाहते हैं उसे कंप्रेस करके जिप फाइल में तब्दील करें और फिर वो फाइल मतलूबा शख्स को भेज दें। वो शख्स इस फाइल को अनजिप करके तस्वीर हासिल कर लेगा और इनका मियार भी बरकरार रहेगा। दोस्तों, हमारा चैनल हादी इन्फो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह करें।